सबसे पहले आप सभी छोटों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग और बड़ों को मेरा प्यार। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए ब्लॉग में। और नए ब्लॉग में मैं कुछ अलग लेके आई हूँ। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि आप अपना सूट कलेक्शन दिखाएं, तो आज मैंने उसी पर वीडियो बना रखी है। तो आप सभी को अब मैं दिखाने वाली हूँ कुछ इस तरह मेरे सूट है। एक एक करके मैं आप लोगों को अपनी सूट दिखाती हूँ। ये वाली है जिसमें हम लोगों ने अभी चिट भी नहीं उखाड़ रखा है, मतलब मैंने पहनी नहीं है। ये लेके आए थे तनुष हल्द्वानी से, आपने पिछले ब्लॉग में देखे होंगे ये वाले। ये कुर्ती है, इसके नीचे जीन्स आएगा, तो आप लोगों को मैं बाद में दिखाऊंगी ये वाला लुक। फिलहाल के लिए ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये तनुष की पसंद का है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये दूसरी वाली, ये भी तनुष लेके आए हैं हल्द्वानी से, और ये भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब आज तक के जितने भी सूट तनुष लेके आए उसमें से मेरी ये फेवरेट है, क्योंकि इसका कलर और सूट बहुत अच्छा है। ये देखो, और इसका को पहन के मैं आप लोगों को पक्का पिक्चर्स दिखाऊंगी। मतलब मैंने पहनी नहीं है ये अभी तक। और ये वाली मेरी भाभी लेके आए थे हल्द्वानी से, जो कि हाल ही में उन्होंने भेजा है, मैंने सिलाई भी नहीं है ये, और मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू सो मच भाभी, आपने इतनी अच्छी सूट मेरे को दिलाई। ये देखो, और मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगा, और क्योंकि ये मैचिंग मेरे और सूटों से भी है, लेकिन इसका कलर थोड़ा हटके है, मुझे अच्छा लगा ये। अब और ये वाली सूट मेरी बड़ी भाभी लेके आए थे, और ये जब मैं मायके गई थी तब उन्होंने मेरे को दिया। ये भी नहीं सिली है मैंने अभी तक, और ये भी मुझे इसका बहुत लाइट कलर है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये भी। और इसको सिला के मैं आप लोगों को पक्का दिखाऊंगी। अभी तक मैंने कोई सूट नहीं सिली हुई है, लेकिन मैं सिला के आप लोग को जरूर दिखाऊंगी। देखो, और दुपट्टा भी हल्का है इसका, तो इसका मतलब कंफर्टेबल है। ये वाली सूट तनुज ने, जब रुद्रांश हुआ था हमारा तब तनुज ने मेरे को गिफ्ट की थी, लेकिन मैंने अभी तक ये पहनी नहीं है, संभाल के ही रखी है। और इसको मैं आप पहनूंगी, डार्क स्काई ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन है ये, और ये मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने जल्दी से सिला दी, लेकिन मैंने अभी तक ये पहनी नहीं है, तो आप लोगों को पहन के मैं आप दिखाऊंगी इसको। थैंक यू तनुज। और ये वाली मेरी सबसे फेवरेट है, और इसमें ये वाली सूट मैंने बहुत बार पहन भी दी है, और ये सबसे अच्छी लगती है मेरे को। ये भी मेरी भाभी ने मेरे को गिफ्ट किया था मेरी शादी के बाद, जब मैं पहली बार हल्द्वानी गई थी, हल्द्वानी वाले घर में गई थी, तो उन्होंने मेरे को ये गिफ्ट किया। और ये वाली सूट मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये हल्दी में है और बहुत बार मैंने पहन भी ली है। और नेक्स्ट है, ये भी तनुज ने मेरे को गिफ्ट की थी जब मैं हल्द्वानी गई थी, लेकिन सिलाई हमने बाद में ये, और आप लोगों ने बहुत बार मुझे ब्लॉग में ये वाली सूट पहनते हुए देखा भी होगा, और ये वाली सूट भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। देखो, हल्द्वानी मार्केट से ली हमने। और ये, और ये वाली सूट भी मेरी मम्मी ने, गर्म सूट है ये, मम्मी लेके आई थी नामकरण में, जो कि ये मुझे बहुत अच्छी लगी, मम्मी ने दी मेरी। और इसको मैं आप सिलवाऊंगी जब ठंडों के दिन आ जाएंगे। ये देखो, ये मम्मी ने गर्मियों में दिए ना मेरे को, तब मैंने सिलाए नहीं, वरना मैं कब का सिला देती इनको भी। तो थैंक यू मम्मी। और ये वाली सूट, ये वाली भी मेरी मम्मी ने दी है मुझे, जो पूछने आई थी
तब लेके आई थी मम्मी इसको सिरपंचम में लेके आई थी मम्मी इसको, और ये भी बहुत अच्छी लगी मेरे को। ये देखो, और ये वाली दी थी मेरी ताऊ जी की लड़की ने, क्योंकि उनके नाती का नामकरण था तब उन्होंने मेरे को दी थी। ये भी बहुत अच्छा लगता है।